11 जुलाई और पिछले 24 घंटा में साउथ इंडोनेशिया का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में रेस्ट ऑफ द एरिया में कुछ कुछ स्थानों पर बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश रिपोर्ट हुआ है गाइसिलेट वराघाट डिस्ट्रिक्ट में 85.0 मिलीमीटर, बरापाली 82.0 मिलीमीटर, उसके बाद बुलांगीर 79.0 मिलीमीटर, भुवनेश्वर सिटी में वेरी लाइट रेनफॉल था 0.9 मिलीमीटर और पिछले 24 घंटे का स्टेट एवरेज रेनफॉल हुआ है 9.9 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 9.8 मिलीमीटर। अभी सीजनल जो स्थिति है बारिश का, 1 जून से आज 11 जुलाई तक टोटल बारिश हुआ है स्टेट में 232.7 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 314 मिलीमीटर, 26% अभी कम है। और फोरकास्ट जो है अभी अगला 24 आवर्स में हमारा इंडोनेशिया डिस्ट्रिक्ट साउथ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हल्का से मध्यम होने का पॉसिबिलिटी है। नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर होगा, एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है। मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में केवल एक दो जगह में बारिश हैवी रेनफॉल हो सकता है और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश ही रहेगा। फिर कल 12 और 13 जुलाई इसमें कुछ कुछ स्थानों पर बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ हो सकता है, कंपेरेटिवली बारिश कम रहेगा आज से। और 14th में फिर स्लाइट इंक्रीज हो सकता है, इसमें मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा। 15th में भी मेनी प्लेसेस में बारिश हल्का से मध्यम होगा। 14th-15th में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में आज अभी जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश एक दो स्पेल्स होने का पॉसिबिलिटी है। गंजाम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजाम समाचार रो फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।